किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपियो में हजारों की संख्या में आज जिला के सभी ग्रामीण इलाकों के लोगों ने दलाई लामा के समर्थन में रैली निकाली। इस रैली में तकरीबन 3000 के आसपास लोग आए। वो खास तौर से जिला के बौद्ध धर्म के सभी बड़े गुरुओं समेत बौद्ध अनुयायी भी इस रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए दिखे। रिकांगपियो में निकाली गई इस रैली में लोगों ने दलाई लामा के हाल ही में एक बच्चे के साथ चुंबन वाले वीडियो को सोशल मीडिया व कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा ट्रॉल किए जाने के विरोध में, जिस पर लोगों ने जमकर नारेबाजी कर उन मीडिया संस्थानों व सोशल प्लेटफॉर्म के लोगों को दलाई लामा से माफी मांगने को कहा है। इस विषय में बौद्ध अनुयायी व लेखक भगत सिंह किन्नर ने कहा कि परम पावन दलाई लामा की वीडियो को जिस प्रकार कुछ मीडिया संस्थानों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई, वे सरासर गलत व तर्कसंगत नहीं है। इसी को लेकर भगत सिंह किन्नर, लेखक व बौद्ध अनुयायी, और सुशील साना, पूह ग्राम पंचायत पूर्व प्रधान, क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। आज यहाँ पर परम पावन दलाई लामा जी के नैतिक समर्थन में पिछले कुछ दिनों से सब लोगों को पता है कि कुछ सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स के अंदर, जिनमें से कुछ NDTV बता रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, या न्यूज़ फॉर हिमालयन के नाम से जो चैनलें चल रही है, उसमें बड़े गलत तरीके से जो परम पावन जी के बारे में कुछ ऐसे दुष्प्रचार किया जा रहा था। तो पूरे भारत के अंदर बहुत समाज में जो है तो इससे बड़ा रोष पैदा हुआ है कि जो बिल्कुल एक गलत और झूठा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके विरोध में आज संपूर्ण किन्नौर से सारे संस्थाओं के, बहुत संस्थाओं के लोग, अलग अलग गांव के लोग, यहाँ पर विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ आकर के हम अपने बहुत जनता की तरफ से, किन्नौर की तरफ से, ये दलाई लामा जी के समर्थन में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ रखा है। मैं सुशील साना, एक्स प्रधान ग्राम पंचायतपुर। ये NDTV ने जो प्रचार, दुष्प्रचार किया है दलाई लामा के विरोध में, इसके मैं खंडन करता हूँ। यहाँ पूरा बात जिला किन्नौर के बाद अनुयायी इकट्ठा होकर आज जिला किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक आक्रोश रैली कर रहे हैं। हम उन मीडिया वालों को कहना चाहते हैं जो वहाँ पर दुष्प्रचार दलाई लामा के किया गया, वो बिल्कुल बंद कर दें, क्षमा याचना करें हमारे बौद्ध धर्म से, क्योंकि हम अल्पसंख्या से बिलोंग करते हैं। इसलिए NDTV ने हमारे धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा जी के मन में बहुत ठेस पहुंचा है, उसके लिए मैं कड़ा शब्दों से विरोध करता हूं।